Hello students, in this video we'll be solving question 3 of additional exercise force and law of motion. Aur question keh raha hai, a hammer of mass 500 kilogram. Hammer ka mass kitna hai? 500 gram, sorry. Moving at 50 meter per second, initial velocity hai 50 meter per second. Strikes a nail. The nail stops the hammer. The nail stops the hammer मतलब V कितना हो गया? Zero हो गया. उसके बाद in a short time of 0.1 second, time कितना लग रहा है? 0.01 second. देखो, कभी भी numerical करना है तो पहले जो given है उसको लिख ले तो बहुत easy हो जाता है, ठीक? अब question में कह रहा है, what is force of the nail on the hammer? आपको force निकालना है, ठीक? क्या formula होता है force का? M into A. F is equal to M into A. F is equal to mass किसमें दिया है? ग्राम में. इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में. 500 ग्राम मतलब आधा किलो होता है, है ना? तो कन्वर्ट करो या तो 1000 से डिवाइड कर दो या सीधे लिख दो आधा किलो. मुझे पता है, आपको ही पता है. एक्सेलरेशन क्या होता है? V minus U by T. F is equal to half of V कितना दिया है बेटा? 0. U कितना दिया है? 50. By T, टाइम कितना दिया है? 0.01. ठीक, F आ गया half of 0 minus something is, ये minus बाहर आ जाएगा, into 50, ये हो जाएगा 1/100, है ना? हो जाएगा. और ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. ये 2 उसको कैंसिल करेगा, 2 1 जा 225 जा और 25 इनटू 100, तो आपका आंसर आ गया -2500 न्यूटन. माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि जो फोर्स है वो रिटार्डिंग है, हैमर इस तरफ मूव कर रहा है, नहीं सॉरी, हाँ, और नेल उसके अपोजिट उसको फोर्स लगा रहा है. ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू. वेरी सिंपल क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.